अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफिक्स के वीडियो सबसे पहले। कर्टिस कैंपर एक दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर है जो वर्तमान में आयरलैंड क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैंपर ने जून 2020 में आयरलैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में डेब्यू किया। अक्टूबर 2021 में कैंपर आयरलैंड के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने। उनका जन्म 20 अप्रैल 1999 को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कैंपर के पास आयरिश पासपोर्ट है और अपनी दादी के माध्यम से आयरलैंड क्रिकेट टीम के लिए खेलने के लिए योग्य है। उन्होंने पूर्व में दक्षिण अफ्रीका की अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए भी खेला था। फरवरी 2020 में उन्हें नामिया के दौरे के लिए आयरलैंड ओल्ड टीम में शामिल किया गया था। उन्होंने 21 फरवरी 2020 को अपना T20 डेब्यू किया और 26 फरवरी 2020 को अपनी लीज डे की शुरुआत नामिया के खिलाफ आयरलैंड के ओल्ड टीम में दक्षिण अफ्रीका के दौरे के दौरान की। 10 जुलाई 2020 को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ एक दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए बंद दरवाजों के पीछे ट्रेनिंग शुरू करने के लिए इंग्लैंड की यात्रा करने के लिए आयरलैंड के 21 सदस्य दस्ते में कैंपर का नाम रखा गया था। 28 जुलाई 2020 को क्रिकेट आयरलैंड ने श्रृंखला के पहले वनडे के लिए अपने 14 सदस्य टीम में कैंपर को नामित किया। उन्होंने 30 जुलाई 2020 को आयरलैंड के लिए इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया। मैच में आयरलैंड के लिए कैंपर ने नाबाद 59 रन बनाए लेकिन वो 6 विकेट से हार गए। फरवरी 2021 में कैंपर को उनके बांग्लादेश दौरे के लिए आयरलैंड वॉल्स के दस्ते में नामित किया गया था। कैंपर ने 26 फरवरी 2021 को आयरलैंड वॉल्स के लिए बांग्लादेश इमर्जिंग टीम के खिलाफ फर्स्ट क्लास में डेब्यू किया। अगस्त 2021 में कैंपर को जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी श्रृंखला के लिए आयरलैंड के T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम में नामित किया गया था। कैंपर ने अपना T20 डेब्यू 27 अगस्त 2021 को आयरलैंड के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ किया था। सितंबर 2021 में कैंपर को 2021 ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए आयरलैंड के दस्ते में नामित किया गया था। 18 अक्टूबर 2021 को आयरलैंड के T20 विश्व कप के पहले मैच में कैंपर आयरलैंड के लिए T20 क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने। कैंपर राशिद खान और लसित मलिंगा के बाद T20 मैच में 4 गेंदों में 4 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज भी बने। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर ऐसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।